सो व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय चैनल गाइस आज के इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप का क्रिएट करने वाले हैं अडोबी आफ्टर इफेक्ट के अंदर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है सो वीडियो को आप लोग पूरा देखना एंड इस वीडियो के अंदर जितने भी मैं वीडियो का यूज कर रहा हूँ उसका लिंक मैंने मैंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन में आप वहां से वीडियोज को डाउनलोड कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पज सो वीडियो को शुरू करते हैं सो गाइज यहाँ पे मैंने कुछ वीडियो को इम्पोर्ट कर लिया है सो so, आपको जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करना है देन पे आपको मिलेगा इंपोर्ट आप यहाँ पे वीडियोस को इंपोर्ट कर सकते हैं सो so, अभी मैं यहाँ पे इस वाली वीडियो को जस्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से जो हमारे यहाँ पे क्लीन प्लेट वाली वीडियो है और इसका यहाँ पे जस्ट मैं कर रहा हूँ रिनेम इसे मैं main, comp, यहाँ पे कर देता हूँ मेन कॉम्प इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इसलिए किया सो दैट यहाँ पे जो भी हमारी वीडियो का एक्चुअल साइज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक कॉम्प बन जाएगी इट मीन्स कॉम्पोजिशन और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे कुछ इस टाइप से सेट कर रहा हूँ ठीक है बिकॉज स्टार्टिंग का पार्ट हमारे यहाँ पे खाली है ब्लैंक है इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ इसके बाद मैं एक फुटेज को और यहाँ पे लेके आ रहा हूँ सो so, अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मेन वीडियो सो मैं मेन वीडियो को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से ठीक है सो अब मैं क्या करने वाला हूं जैसे मान लो कि मैं इस वाले फ्रेम में आया बेसिकली मुझे यहाँ पे टाइमिंग मैच करनी है जिस भी टाइमिंग में आपको लगता है कि ये टाइमिंग सही है आप उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं सो so, मैं यहाँ पे जस्ट इसे प्ले कर रहा हूँ सो so, मैं चाह रहा हूँ कि इसे मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसे करू ठीक है so, सो मैंने यहाँ पे प्रेस किया स्टार अपने की में आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा सो so, दैट यहाँ पे एक मार्कर यहाँ पे आ जाएगा सो so, दैट हम इस मार्कर के अकॉर्डिंग काम करेंगे अब मैं क्या करने वाला हूँ इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा सो so, मैं यहाँ पे गया एडिट और यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्लिट लेयर और जो ये वाला पार्ट है सेकंड वाला इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है बट मेक श्योर आप सेकेंड वाली लेयर के फर्स्ट वाले फ्रेम में आ जाओ इट मीन्स यहाँ पे जो मार्कर है और यहाँ पे जाओ राइट right क्लिक करो देन टाइम और यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रीज फ्रेम ठीक है और आप इसको कर दो रीनेम जस्ट यहाँ पे आप इसे मेंशन कर दो फ्रीज फ्रेम कुछ इस टाइप से इसके बाद अभी मैं बाकी लेयर्स के यहाँ पे आई इसको क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पे इसे मैं कर रहा हूँ फुल स्क्रीन बाय प्रेसिंग टिंड की और इसके बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पेन टूल और यहाँ पे मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ एक रफ यहां पे कर रहा हूं मास्किंग ठीक है यहाँ पे मैंने ले लिया पेन टूल और कुछ इस टाइप से इसे कर रहा हूं मास्क बट गाइस मेक श्योर आपके यहाँ पे लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए जिसे हमने करा है फ्रीज फ्रेम सो कुछ इस टाइप से आप मास्किंग इसे यहां पे कर लो कंप्लीट जो भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है सो so, हमने यहाँ पे कुछ इस टाइप से मास्किंग कर लिया है इसके बाद हम यहाँ पे अगेन बाकी जो लेयर्स हैं इसके आइस को ओपन करेंगे ठीक है सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस इस मेन लेयर का यहाँ पे जो एंकर पॉइंट है वो है यहाँ पे सो so हम इसको सेट करेंगे सेंटर में सो so आपको जस्ट इस वाले टूल में क्लिक करना है और पैन बिहाइंड टूल में और आप इसको कर दो कुछ यहाँ पे ठीक है इसके बाद हम क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पपिट टूल के ऊपर और हम यहाँ पे कुछ पिंस को ऐड करेंगे सो so मैं यहाँ पे जस्ट कुछ पिंस ऐड कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से ठीक है यहाँ पे आप पिंस को एड कर लो अपने अकॉर्डिंग जितने भी आपको पिंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है अगर गाइस आपको नहीं पता कि पपेट टूल को यूज कैसे करते हैं सो इसके रिगार्डिंग मैंने प्रॉपर सेपरेट वीडियोस बना रखी है आप देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पे पिन ऐड कर ली है ठीक है इसके बाद मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्म और मैं यहाँ पे इसकी पोजिशन स्केल एंड रोटेशन के ऊपर यहाँ पे की फ्रेम्स लगा रहा हूँ ठीक है सो so, यहाँ पे की फ्रेम्स एक्टिव हो चुके हैं फर्स्ट फ्रेम में इस वाली लेयर के अब इसके बाद मैं कुछ फ्रेम आगे गया लेट सपोज यहाँ पे गया मैं और मैंने इसको जस्ट शिफ्ट कर दिया इसकी पोजिशन को कुछ इस टाइप से ठीक है और इसे मैंने यहाँ पे स्केल कर दिया अराउंड फिफ्टी कर लेते हैं इससे अराउंड फिफ्टी या फोर्टी कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस और वापस इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं कुछ इस टाइप से नाउ सी ठीक है कुछ आपको यहाँ पे इस टाइप से देखने को मिलेगा इसके बाद यहाँ पे इसकी रोटेशन कर लेते हैं अराउंड नाइनटी कर लेते हैं ठीक है सो यहाँ पे थोड़ा ये घूमते हुए जाएगा समथिंग लाइक दिस ठीक है अगर आपको इसे कम करना है तो आप इसे अराउंड फोर्टी या फिफ्टी कर लो ज्यादा भी हमें यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है सो कुछ इस टाइप से भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ सो हमने यहाँ पे कुछ पिंस ऐड so की थी बाई यूजिंग पपेट टूल सो गाइस पपेट टूल की प्रॉपर्टीज होती है ये फर्स्ट फ्रेम में ऑटोमेटिकली की यहाँ पे लगा देता है ठीक है तो हमें यहाँ पे की फ्रेम्स ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको जस्ट अपने कर्सर को आगे लेके जाना है कुछ इस टाइप से इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ इसके जो पिन है इसको यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से शिफ्ट कर रहा हूँ ठीक है बट मेक श्योर गाइज आपके यहाँ पे वहां पर टूल एक्टिव होना चाहिए कुछ इस टाइप से तभी आपको यहाँ पे पिन यहाँ पे शो करेगी समथिंग लाइक दिस मतलब कुछ इस टाइप के हम यहाँ पे शेप देंगे सो so दैट हमें यहाँ पे देखने में लगे कि जो ये पर्सन है वो इस कंप्यूटर के अंदर जा रहा है कुछ इस टाइप से इसको सेट कर लेते हैं ठीक है समथिंग लाइक दिस इसके बाद कुछ फ्रेम आगे जाएंगे अगेन और इसको आप वापस से आप कुछ इस टाइप से कर लो ठीक है सो so, हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से जस्ट यहाँ पे नॉर्मल से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा समथिंग लाइक दिस अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे इसकी पोजिशन स्केल एंड रोटेशन को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और F9 प्रेस कर रहा हूँ फॉर इजी ईज अदरवाइज आप यहाँ पे राइट right क्लिक करें देन की फ्रेम असिस्टेंस सॉरी राइट क्लिक करें की फ्रेम असिस्टेंस देन ईजी ईज ठीक है तो so, कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ जस्ट यहाँ से ऑन कर रहा हूँ मोशन ब्लर सो आपको यहां पे क्लिक करना है सो so दैट यहाँ पे मोशन ब्लर यहाँ पे ऐड हो जाएगा कुछ इस टाइप से सो so अब मैं इसके बाद क्या करने वाला हूँ मैं यहां पे क्रिएट कर रहा हूँ एक रेक्टेंगल सो so यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ रेक्टेंगल टूल के ऊपर मेक श्योर आपके यहाँ पे कोई भी लेयर सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं आप यहां पे क्लिक करो पेन टूल के ऊपर और जस्ट यहाँ पे एक शेप यहाँ पे ड्रॉ कर दो पेन टूल की हेल्प से जस्ट कुछ इस टाइप से ठीक है यहाँ पे एक शेप ड्रॉ हो गई है इसके बाद जो यहाँ पे हमारी फ्रीज फ्रेम की लेयर है इसको आप यहाँ पे कर दो जस्ट इससे आप कर दो यहाँ पे अल्फा इन्वर्टेड मैट इससे क्या फायदा होगा जैसे मान लो अगर ये जब हम इसे प्ले करते हैं सो इस पीसी के पार यहाँ पे हमारी चीजें नहीं जाएंगी ठीक है सो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर आपको यहाँ पे अल्फा मैट के ऑप्शन नहीं मिलते हैं सो आप एफ फोर प्रेस करें अदरवाइज आप यहाँ पे राइट right क्लिक करें देन कॉलम और यहाँ पे आपको मिल जाएगा मोड्स ठीक है और इसको आप यहाँ पे कर लो फ्री आ, मैट अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे मैंने और यहाँ पे वीडियोस को ऐड कर रखा है सो मैं यहाँ पे जस्ट लेकर कर रहा हूँ वीडियोज पेपर की कुछ इस टाइप से इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ नीचे नाउ सी कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे पेपर आपको उड़ते हुए दिखेंगे सो मैं इसकी स्पीड को पहले इंक्रीज कर रहा हूँ सो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ देन टाइमिंग यहाँ पे गया मैं टाइम स्ट्रेच और मैंने यहाँ पे इसे कर लिया अराउंड एट्टी ठीक है और इसको मैंने जस्ट यहाँ पे सेट कर लिया एज पर द टाइमिंग ठीक है सो कुछ इसको और नीचे मैं शिफ्ट कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से इसको थोड़ा सा मैं आगे कट कर लेता हूँ बिकॉज यहाँ पे हमारा फ्रेम ब्लैंक है अब क्या करूँगा जो हमने यहाँ पे इस वीडियो को इंपोर्ट किया है मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ मास्क सो मैं जस्ट यहाँ पे सिंपली गया और मैं इतने एरिया को यहाँ पे कर रहा हूँ मास्क पेपर वाले पार्ट को सो so, दैट यहाँ पे जो हमारा ड्रायर है यहाँ पे ये शो ना करें इसके बाद यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे जस्ट आप डबल एम्प्रेस करो और यहाँ पे इसे कर दो मास्क फेदर इसके बाद यहाँ पे एक वीडियो और है सेम पेपर की सो so मैं यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर रहा हूँ और इसको कर रहा हूँ शिफ्ट नीचे अभी मैं इसके आइस क्लोज कर रहा हूँ सेकेंड वाले पेपर की और अगेन मैं यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ देन टाइमिंग और यहाँ पे आपको मिलेगा टाइम स्ट्रेच और इसे कर रहा हूँ अराउंड 80 एट मीन्स हम इसे यहाँ पे फास्ट कर रहे हैं एक पेपर हमारा गाइस ये वाला है और एक हमारा ये वाला है ठीक है और इसको अगे मैं यहाँ पे टाइमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से और अगेन मैं क्या करने वाला हूँ इसका जस्ट सिर्फ इतना पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ मास्क इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ मैं अगेन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ एक न्यू सॉलिड सो राइट क्लिक करेंगे न्यू सॉलिड और कलर अभी मेरे यहाँ पे कुछ इस टाइप से है तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे लेके गया टॉप में इसके बाद हम क्या करेंगे अभी मैं यहाँ पे इसके आइज को क्लोज कर रहा हूँ और जस्ट मैं यहाँ पे गया पेन टूल के ऊपर मेक श्योर आपके यहाँ पे लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए और मैंने यहाँ पे एक मास्क यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया समथिंग लाइक दिस ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ इसके आइज को अगेन ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको करना है मास्क फैदर और इसका ब्लाइंडिंग मोड कर रहा हूँ यहाँ पे एड सो so, ऐड कर लेते हैं इसको इसके बाद टी प्रेस कर रहा हूँ टी फॉर ओपेसिटी और यहाँ पे इसकी जो ओपेसिटी है उसे कर रहा हूँ अराउंड फिफ्टी परसेंट और इसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूं गोशन ब्लर सो so, जस्ट इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू को इनक्रीज कर लेते हैं सम अराउंड हंड्रेड ठीक है और थोड़ा और कर लेते हैं इसको देन इसके ऊपर मैं अप्लाई करने वाला हूँ ग्लो और ग्लो को इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे कुछ इस टाइप से अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे इसका छाई और इसका रेडियस मैं इंक्रीज कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से और इसकी इंटेंसिटी कर रहा हूँ जीरो पॉइंट फाइव और आप इसका यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा मास्क फैदर और इंक्रीज कर दो ठीक है और इसकी ओपेसिटी हमने फिफ्टी कर रखी है इसे हम कर देते हैं अराउंड सेवनटी इसके अलावा गाइस अगर जैसे मान लो अभी इसकी लाइट कंप्यूटर के पीछे जा रही है अगर आप यहाँ पे चाह रहे हो इसकी लाइट कंप्यूटर के पीछे ना जाए तो आप क्या करो अगेन यहाँ पे क्लिक करो रेक्टेंगल टूल के ऊपर और मेक श्योर आपके यहाँ पे ये यह वाली सिलेक्ट होनी चाहिए लेयर और यहाँ पे एक मास्क यहाँ पे ड्रॉ कर दो कुछ इस टाइप से और मास्क टू में जाओ और इसे यहाँ पे कर दो आप सबस्ट्राइक ठीक है सो कुछ इस टाइप से यहाँ पे इसकी जो लाइट है वो कंप्यूटर के बैक साइड में नहीं जाएगी अब इसके बाद मैं यहाँ पे करने वाला हूँ थोड़ी कलर करेक्शन राइट क्लिक कर रहा हूँ न्यू एडजस्टमेंट लेयर और इसे मैं यहाँ पे जस्ट रीनेम कर रहा हूँ सीसी इसके ऊपर मैं अप्लाई करने वाला हूँ कर्व्स, सो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कर्व्स और कर्व्स को मैं हल्का सा यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ समथिंग लाइक दिस इसके वैल्यूज को यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूं इसके बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ फोटो फिल्टर कुछ इस टाइप से और यहां पे इसे मैं कर रहा हूं जस्ट मैजेंटा समथिंग लाइक दिस और इसकी आप यहाँ पे जस्ट इसकी जो डेंसिटी उसे आप कर दो अराउंड थर्टी इतना करने के बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ जस्ट ग्लो जस्ट यहाँ पे एक टच डालने के लिए सो so ग्लो को ऐड कर रहा हूँ और इसकी इंटेंसिटी कर रहा हूँ जीरो पॉइंट थ्री और इसका जो भी यहाँ पे रेडियस है थ्रेश होल्ड है इसको मैं थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ इसके बाद मैं यहाँ पे सारी लेयर्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल ए के साथ और राइट right क्लिक कर रहा हूँ देन इसे कर रहा हूँ प्री कम्पोज और यहाँ पे जस्ट इसे टाइप कर रहा हूँ फाइनल बॉम इतना करने के बाद गाइस आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज को ओपन करो ट्रांसफॉर्म और जैसे मान लो जहाँ पर भी ये इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है सपोज दैट यहाँ से इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है सो so आप इसकी पोजिशन एंड स्केल में एक की लगा दो थोड़ा सा इसे पीछे शिफ्ट कर लेते हैं हल्का सा देन इसके जो स्केल की यहाँ पे की है इसको थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट करो पीछे और यहाँ पे जो इसके स्केल की वैल्यू इसे कर दो अराउंड वन हंड्रेड अराउंड दो इसे अराउंड ठीक है कुछ इस टाइप से और कुछ फ्रेम आगे जाओ जैसे मान लो जहा पर भी इफेक्ट कंप्लीट हो रहा है लाइट सपोज ये इफेक्ट यहां पे कंप्लीट हो रहा है सो so इसे यहाँ पे कर दो अराउंड वापस कर दो इसे अराउंड वन हंड्रेड टू और पोजिशन में यहाँ पे आप यहाँ पे सिंपली एक लगा दो होल्ड की ठीक है इतना करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा विगल अगर आपको यहाँ पे विगल के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं सो विंडो में जाओ यहाँ पे आपको मिलेगा विगल और दोनों यहाँ पे आप की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो विगल की और यहाँ पे इसे आप कर दो जस्ट नॉइज़ टाइप में जैगड और फ्रीक्वेंसी कर दो अराउंड फिफ्टी और मैग्नीट्यूड कर दो अराउंड फाइव और इसे कर दो अप्लाई बट मेक श्योर गाइज आपके यहाँ पे दोनों की फ्रेम्स सेलेक्ट होनी चाहिए सो कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखने को मिलेगा नाउ सी यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे फुटेज थोड़ी सी यहाँ पे शेक होगी सो so गाइज़ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो आपको वीडियो समझ में आई हो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें इसके अलावा कुछ भी डाउट्स होते हैं वीडियो के रिगार्डिंग सो तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूँ अपने काम के रिगार्डिंग तब तक के लिए गाइज़ टेक केयर बाय बाय मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में